वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वाइट एजुकेशन पे। बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले उन सभी छात्रों के लिए आज जो हमारा हिंदी के लिए टेस्ट है, ये दूसरा टेस्ट है, क्योंकि एक क्वेश्चन सेट मैंने आपको पहले भी दिए हैं। चूंकि जीके की क्लास रोज शाम को 7 बजे दी जाती है, उसी में आज आपका हिंदी का क्लास ये दिया गया है, तो इस क्यूज को अटेंड करेंगे। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं कितने लोग सही करते हैं यहाँ पे। तो हिंदी यानी कि जो पहला पेपर है खंड एक का, उसमें आपको 60 नंबर लेकर आने हैं पास होने के लिए, ठीक है। तो चलिए टेस्ट देते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों सुबह में 10 बजे आपको साइंस की क्लासेस दी जा रही है, जो कि बिहार दरोगा मेंस और कांस्टेबल की दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। और सुबह के 6 बजे ये करेंट अफेयर की क्लास दी जा रही है, तो तीनों क्लास एटलीस्ट आप लोग अटेंड करें। शाम को 7 बजे आपको जीके की क्लास दी जाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जीके क्लास में आज हम देखेंगे हिंदी की क्लास, जहां से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं, और इसका आंसर आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि वह श्रेष्ठ धावक है, इसमें विशेष्य क्या है। बिल्कुल जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों धावक इज द करेक्ट आंसर, आंसर सी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, एक गाय कम दूध देती है, वाक्य में कम विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। जी हाँ बिल्कुल, जिनका भी उत्तर आ रहा है दूध की, वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, आंसर बी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, ग्रामीण व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, वाक्य में विशेषण क्या है। जल्दी से आंसर करेंगे, जी हाँ ये विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये उसका गुण बता रहा है। ग्रामीण व्यक्ति के बारे में है ना, कि परिश्रमी है यानी कि मेहनती है, तो उसका ये गुण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, कि वह पुस्तक को यहाँ ले आइए, यहाँ ले आइए, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, प्रयुक्त विशेषण यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण होता है, ठीक, आंसर हमारा सी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, 11वां शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। बिल्कुल आंसर 5 कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे जल्दी से, इट्स अ क्रमवाचक। 11वां जो शब्द है, 11वां जो है ये क्या है, क्रम है, क्रम यानी कि गिनती, 1 2 3 4 है ना, क्रम, वो क्रम नहीं, वो क्रम नहीं, क्रम है ये, ठीक है, तो ये क्रमवाचक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, इनमें से विशेषण शब्द बताना है, जल्दी से उत्तर कीजिएगा। विशेषण वही ना जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, ठीक है, तो आंसर कीजिएगा, इट्स अ जी हाँ डी, बाहरी, जो एक विशेषण वर्ड है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, वार्षिक शब्द में किस में निर्मित है, वार्षिक जो शब्द है ये किस में निर्मित है। आंसर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे संज्ञा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेरा भाई अमेरिका जा रहा है, वाक्य में सर्वनामिक विशेषण क्या है। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों मेरा, है ना, सर्वनाम कौन है यहाँ पे, तो मेरा यानी कि मेरा भाई जा रहा है, तो यहाँ पे मैं जो हुआ ये सर्वनाम होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, उनकी चप्पलें काफ़ी मोटी हैं और मजबूत भी हैं, वाक्य में विशेष्य क्या है। बिल्कुल यहाँ पे आंसर करेंगे चप्पलें, है ना, चप्पलें जो हैं इसके बारे में विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेष्य हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 10, दृढ़ विशेषण शब्द की उत्तमा व्यवस्था बताइए। दृढ़ जो वर्ड है इसमें विशेषण शब्द की उत्तम अवस्था बताना है आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे, बिल्कुल दृढ़तम, नोट कर लीजिएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इट्स अ सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, तत्सम शब्द है ना, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें क्या वो तत्सम शब्द बताने होंगे, ठीक है। तो 11 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, अंधेरा जो है वो तत्सम शब्द है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि तत्सम और तद्भव किसे कहते हैं, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। चलिए इसमें भी बताना है कि तत्सम शब्द बताना है 12वां क्वेश्चन में। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, बेत जो है एक तत्सम वर्ड है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, कि इसमें भी तत्सम बताइए 13 में। बिल्कुल तमंचा, ठीक है, ये आपका क्या है, तो ये एक विशेषण क्या है, तत्सम वर्ड है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है। 14 का आंसर करेंगे दोस्तों, तत्सम वर्ड है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग के दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। फिर से तत्सम दे दिया गया यहाँ पे, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा यहाँ पे। बिल्कुल, क्षुधा जो है ये तत्सम वर्ड है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों 16 में भी बताइए कि तत्सम वर्ड कौन सा है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। बिल्कुल आंसर सी कर लीजिएगा, मार्ग। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ भी तत्सम वर्ड बताना है आपको 17 में। बिल्कुल आंसर करेंगे श्यामल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 आंसर कीजिएगा, यहाँ पे तत्सम वर्ड बताना है आपको। बिल्कुल, इट्स अ चंचू। चंचू जो है एक वर्ड है आपका जो कि तत्सम वर्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी तत्सम बताना है, गहरा तीखा अटारी निकृष्ट में तत्सम वर्ड है। बिल्कुल, निकृष्ट जो है ये आपका क्या है, तो एक तत्सम वर्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में भी तत्सम वर्ड बताइए यहाँ पे, कौन सा है इन चारों में से, भविष्य, सीसा, मानुष या जिन्स। बिल्कुल, भविष्य जो है यहाँ पे एक तत्सम वर्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अशुद्ध भाग का चयन करना है, वाक्य दिया हुआ है उसमें अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। ठीक है, तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे। वीडियो अगर आपको पूरा पढ़ना होगा तो थोड़ा सा पॉज करके आंसर दे सकते हैं आप लोग यहाँ पे। बिल्कुल, अगर आपका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, बिजली जाने पर सब लोग छत पर चले गए, बिजली जाने पर सब लोग छत पर चले गए, इसमें अशुद्ध भाग है, जल्दी से बताइए। ये जो है पूरा अशुद्ध भाग है, चयन किया है मैंने इसमें, है ना, इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, बिजली जाने पर सब लोग छत के ऊपर चले गए, ये एक सही है। बिजली जाने पर सब लोग छत पर चले गए, ये भी सही है। बिजली जाने से, है ना, पर लगाया, यहाँ पे से लगाया, बिजली जाने से सब लोग छत के ऊपर, छत के ऊपर, ठीक, ये भी वर्ड सही है। पर बिजली जाने पर सब लोग छत पर चले गए, है ना, छत पर चले गए, ठीक है, ये एक यहाँ पे अशुद्ध शब्द बन, वर्ड बनता है, वाक्य बनता है। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध भाग फिर बताइए, आपको यहाँ बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का। बिल्कुल, उसे मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, ये एक अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य है, कहने का मतलब उसे मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि भेंट की गई, ये सही वर्ड यहाँ पे वाक्य है। उसे मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि अपर्ण की गई। ठीक है, उसे मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पुरस्कृत की गई। ठीक है, तो प्रदान नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अशुद्ध होता है ये वर्ड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग बताइए, फिर से क्वेश्चन नंबर 23 का। बिल्कुल, अगर आपका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, क्या तुम कोई बात कहने आए थे, ठीक है, ये जो है अशुद्ध है। क्या तुम कोई बात कहने आए थे, ठीक है, तुम आए थे क्या कोई बात कहने, ठीक, ये सही वर्ड यहाँ पे है, अशुद्ध इसमें कुछ नहीं है। क्या तुम कोई बात कहने आए थे, ठीक है, इसमें अशुद्धि है। क्या कोई बात कहने आए थे तुम, या तुम क्या कोई बात कहने आए थे, ठीक है, तो इनमें से बी जो है आंसर यहाँ पे, ये अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, फिर से 24 नंबर का आंसर कीजिएगा दोस्तों। आपकी गद्य शैली अत्यंत चर्चित और प्रभावशाली है, ठीक है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है, आंसर बी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, आंसर कीजिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्यों का यहाँ पे चयन करना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में आपके। बिल्कुल आंसर कीजिएगा सर बी, ठीक है, आज भी वह आदमी आया है जो कि कल भी आया था, ठीक है, जो कि मैंने बोल दिया, जो कल आया, जो कल भी आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन करें, वर्तनी का चयन करना आपको यहाँ पे। चलिए 26 का आंसर करेंगे दोस्तों, ग्रामर का पोर्शन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। उदंड जो है यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27 आंसर करेंगे, शुद्ध वर्तनी बताना है यहाँ पे। बिल्कुल, विशेषण है जो कि शुद्ध वर्तनी है, यानी कि लिखा गया है यहाँ पे। अगला है कि शुद्ध वर्तनी का फिर से चयन करें, 28 नंबर, ऋषि जो है ये शुद्ध लिखा गया है, आंसर ए कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। बिल्कुल यहाँ पे आंसर कीजिएगा तिलांजलि, ओके, आंसर सी कर लेंगे, इज द करेक्ट आंसर। फिर से शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपको यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे। बिल्कुल माननीय, ओके, आंसर सी कर लेंगे, ये शुद्ध वर्तनी है।
क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द को चुनना है आपको यहाँ पे, ठीक है। 31 का आंसर करेंगे, पर्यायवाची शब्द को चुनना है यहाँ पे। बिल्कुल, विनायक का पर्यायवाची क्या होगा? तो गणेश को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मछली को क्या कहते हैं दोस्तों? तो पर्यायवाची बताइए मछली का, मेष कहते हैं, आंसर सी कर लेंगे, ठीक है। 32 का जो आंसर है यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? ओके, यहाँ माफ़ कीजिएगा, जलचर होगा, सॉरी, है ना, ए होगा यहाँ पे आंसर, जलचर होगा, है ना। मेष तो दूसरे को कहते हैं, मेष राशि होती है, ठीक है। चलिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ए होगा जलचर। अगला क्वेश्चन है देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची बताइए। बिल्कुल, आंसर ए कर लीजिएगा, रत्न गर्भा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कीजिएगा, धाता का पर्यायवाची बताइए। बिल्कुल, यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे विष्णु, ठीक है, विष्णु को कहते हैं धाता। अगला क्वेश्चन, रात्रि का पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पे आप सभी बता सकते हैं, जी हाँ, जल्दी से आंसर करेंगे, विभावरी, ठीक है, रात्रि को कहते हैं विभावरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 36 का, तरणी का पर्यायवाची शब्द। बिल्कुल, इसको हम लोग नाव कहते हैं, नाव को कहते हैं तरणी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे अंब का पर्यायवाची शब्द, अंब का, है ना, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों माता, अंबा, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्तन्य, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द। बिल्कुल, स्तन्य का पर्यायवाची वह है डी, यानी कि दूध। अगला क्वेश्चन दोस्तों पावक का पर्यायवाची शब्द बताइए, 39 का। बिल्कुल, आंसर कीजिएगा होताशन, नोट कर लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, धरती का पर्यायवाची शब्द। जी हाँ, आंसर कीजिएगा अचला। अगला क्वेश्चन है कि अल्पज्ञ का पर्यायवाची शब्द बताइए। बिल्कुल, सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छाया का पर्यायवाची शब्द बताइए। बिल्कुल, आंसर करेंगे धूप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्थूल का पर्यायवाची बताइए जल्दी से, 43 का आंसर करेंगे, जल्दी फटाफट आंसर करते हैं यहाँ पे। जी हाँ, कृष्य, कृष्य कहते हैं स्थूल को। अगला क्वेश्चन है जरा का यहाँ बताइए पर्यायवाची। बिल्कुल, यौवन, ठीक है, आंसर कीजिएगा यौवन। अगला क्वेश्चन है सज्जन का पर्यायवाची बताइए। बिल्कुल, इसको हम लोग कहेंगे खल, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन अलग हैं, यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, उस वाक्य में गहरे काले शब्द को यहाँ पे विलोम के द्वारा जानी है, है ना, विलोम द्वारा की जानी है उसकी भर्ती। इसके लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि विलोम शब्द बताने हैं आपको, ठीक है। तो 46 में कहा गया है कि गांधी के अनुसार अत्याचार का उत्तर किसने देना ही मनुष्यता है, ठीक है। इन चार में से ऑप्शन बताना है, कौन सा शब्द यहाँ पे फिट होगा जो कि विलोम होगा गांधी के अनुसार, ठीक है। 46 का आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, गांधी के अनुसार अत्याचार का उत्तर सदाचार, है ना, अत्याचार का उल्टा क्या होगा, विलोम, सदाचार होगा। तो उत्तर सदाचार से देना मनुष्यता ही होती है। चेतन का विलोम शब्द क्या होगा, 47 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल, जड़, ओके। अगला क्वेश्चन, भग्न का विपरीत शब्द क्या होगा, भग्न का आंसर करेंगे दोस्तों 48 का यहाँ पे जल्दी से, अक्षत, ठीक है, आंसर सी कर लेंगे हम। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, शांत का विपरीत शब्द क्या होगा, शांत का। बिल्कुल, जल्दी से उत्तर करेंगे यहाँ पे आप लोग, उद्विग्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मौन का विलोम शब्द क्या होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, मुखर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला एक शब्द बताना होगा यहाँ पे। 51 का आंसर करेंगे दोस्तों जल्दी से आप यहाँ पे, जी हाँ, शाश्वत। अगला क्वेश्चन, पत्र या प्रसादी के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, एक शब्द में इसका आप उत्तर देना है यहाँ पे, क्वेश्चन बदल चुका है, विलोम शब्द नहीं बताना आपको यहाँ पे, ठीक है। तो 52 का आंसर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, उत्तरपेक्षी, उत्तरापेक्षी। अगला क्वेश्चन, वायु में बड़ा व्यक्ति, आयु, आयु, सॉरी माफ कीजिएगा, आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है, ज्येष्ठ कहलाता है वो, और छोटा अनुज कहलाता है। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, जी हाँ, उत्तर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ अनुग्रह। अगला क्वेश्चन, रक्त से सना हुआ,
रक्त से भींगा हुआ या सना हुआ कह सकते हैं? बिल्कुल आंसर कीजिएगा रक्ताक्त। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, जो किसी का हित चाहता हो, 56 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ सी, हितैषी है ना, उसको हितैषी कहते हैं, जिसने देश के साथ विश्वघात किया हो, चलिए विश्वासघात किया हो जिसने देश के साथ, उसे क्या कहेंगे? बिल्कुल देशद्रोही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर प्राप्त होना यहाँ पर, ठीक है, निश्चित समय के भीतर उत्तर प्राप्त करने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता दोस्तों यहाँ पे? जल्दी से उत्तर करेंगे यहाँ पे, 58 का परिपत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जो सदा दूसरों का संदेह करता है, 59 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, संकालु। जी हाँ, जो सदा दूसरों का संदेह करता है वो क्या कहलाता है? संकालु। अगला क्वेश्चन, जो इंद्रियों को ज्ञान के बाहर हो, क्या कहेंगे इसको? ज्ञान के बाहर हो जिनके, ठीक है, 60 का आंसर सोच समझ के कीजिएगा, गीतिक कहते हैं, लेकिन जो इंद्रियों के ज्ञान से अंदर हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, किस क्रम में सत्य कथन है, इस क्रम में सत्य कथन कौन सा है? 61 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, बिल्कुल सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में सही मेल नहीं है, सही मेल नहीं दिया गया यहाँ पे, 62 का आंसर करेंगे दोस्तों, गृह दशा और गृह घर, ग्रह दशा और ग्रह गृह घर। देखिए ग्रह जो है, ग्रह है ना, ग्रह जो है ये दशा और गृह जो है घर, ये सही मेल नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, बल्कि चीर मतलब बहुत समय, चीर मतलब वस्त्र का खंड, तरिड़ सूर्य और तरिण नाव, मात्र केवल और मात्री यानी कि माता, ठीक है। ग्रह का जो यहाँ पे है वो दशा लिख दिया गया है, ये एक सही शब्द यहाँ पे मेल नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, किस क्रम में सही मेल नहीं है, 63 का आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, देखिए इसमें आंसर हो जाएगा तुरंग घोड़ा और तरंग लहर। दिए गए जो विकल्प हैं इसमें जो सी है उसका अर्थ सही नहीं है, गलत शब्द का सही अर्थ इस प्रकार है, क्योंकि अंश है ना, अंश का अर्थ होता है हिस्सा या भाग होता है, जबकि अंश का अर्थ और ये अंश, ये इस अंश का मतलब क्या हो जाता है तो कंधा या बाहु हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर 63 दिए गए विकल्प में, देखिए इसका जो आंसर है, अंश का मतलब होता है बाहु है ना, ये अंश का मतलब है ना, इस अंश का मतलब बाहु, तो सूर्य लिखा गया है, इस अंश का मतलब कंधा लिख दिया गया है, इस अंश का मतलब, हाँ ये तो गलत है ही, इस अंश का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे हिस्सा या भाग है ना, तो कंधा लिख दिया, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि किस क्रम में अंतस्थ वर्णन, वर्ण नहीं है, वर्ण है ना, वर्ण नहीं है, तो अंतस्थ वर्ण क्या होता है? अंतस्थ एक व्यंजन वर्ण होते हैं जिसके चार प्रकार होते हैं, य र ल व, ठीक है, इसमें ह जो है ये नहीं है, तो आंसर यहाँ पे डी कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है, आंसर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों 65 का, देखिए चवर्ग जो है, चवर्ग स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका उच्चारण जो है जीभ से निकलता है, तालु से पूर्ण स्पर्श करके निकलता है, छ क ख ड, तो यहाँ पे कौन नहीं निकला, तो जो छ है वो ऐसा नहीं निकला, तो आंसर यहाँ पे ए कर लेंगे, ठीक है। और आंसर कीजिएगा किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है, पार्श्विक व्यंजन बताना है, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे इट्स अ ल, ठीक है, तो पार्श्विक व्यंजन जो होते हैं दोस्तों चार व्यंजन होते हैं, य र ल व है ना, इसके अंतर्गत आते हैं, तो ल जो है ये पार्श्विक व्यंजन हो गए। किस क्रम में तालब्य व्यंजन है ना, तालब्य, तो तालब्य में क्या होता है दोस्तों, आंसर करेंगे श यानी कि ये श और ये श और र और ल, ये भी आते हैं आपके तालब्य व्यंजन में, ठीक है।
तो इसका उच्चारण होता है, तो घ जो है यानी कि ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं आता है। किस क्रम में भद्र का तद्भव रूप है? अब देखिए तत्सम हो गया, अब तद्भव से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भद्र जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ भला या सज्जन होता है, ठीक है, तो भला जो है आंसर यहाँ पे ए कर लेंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चकल्लस शब्द किस रूप में है? चकल्लस, चकल्लस है ना, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, क्या है ये? तो चकल्लस जो है वो देशी शब्द है, देशज है, और देशज शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, ठीक, आंसर सी करेंगे। अगला क्वेश्चन, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 70 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, संबंध बताने में, ठीक। अगला क्वेश्चन, सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है में कौन सा सर्वनाम है? मेरा में है ना, एक्चुअली मेरा छूट गया यहाँ पे, मेरा में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो 71 का आंसर कीजिएगा सी, निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि निश्चित है कि वो मेरा ही है। किन किन नाम की सूची है में पर्यायवाचक सर्वनाम का भाव क्या है? भाव किस में होता है? किन किन का नाम सूची में, बिल्कुल 72 का आंसर कर दीजिएगा किन किन, है ना, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना। कोई पूछता है ना कि यहाँ पे किन किन लोगों का घर है ना, तो किन किन जो है ये क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है में शब्द में विशेषण है, बिल्कुल आंसर क्या करेंगे, इट्स अ ईमानदार, उसकी विशेषता बता रहा है ना उस व्यक्ति की। अगला क्वेश्चन, बिहारी ने सतसई लिखी, सतसई जो है शब्द में कौन सा विशेषण है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा समूच बोधक एक है, ठीक है, सतसई जो शब्द है यह समूच बोधक विशेषण है, वह शब्द जिसमें कि समूच का बोध कराया जाए समूच बोधक विशेषण कहलाता है। क्वेश्चन है, किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है? आंसर करेंगे दोस्तों, मोहन 2 किलो दूध पी गया, ये आंसर करिएगा सी, ठीक है, चलिए जरूर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 76, किसी क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस चार ऑप्शन में बताना है किस में, ठीक। 76 का आंसर करेंगे दोस्तों, 9 है जिसमें कि विधियाँ वो 9 विधि, ठीक है, ये गलत है, इसमें सही विग्रह नहीं है, इसका सही विग्रह होगा कि नई 9 विधि है ना, नई 9 विधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? तो आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ अश्वारोधी, ठीक है, चलिए। तत्पुरुष, कर्मधार्य, द्विगु, छ, उपभेद, ये सब ये हैं, ठीक है। किस क्रम में सुमेलन नहीं है, सही सुमेलन नहीं किया गया है? तो ये कनफट्टा द्विंद, द्विंद समास कहा गया है, कनफट्टा अर्थात फटा हुआ कान जिसका में द्वंद समास नहीं है, ठीक है, ये कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे वीरो ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे 79 का जल्दी से, चलिए आंसर कीजिएगा 79 का, बिल्कुल वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में संप्रदायक कारक है, ठीक है, आंसर क्या करेंगे, संप्रदान कारक है, आंसर सी कर लेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा क्रम सही नहीं है? पेड़ से पत्ता गिरा, ये एक करण कारक है, ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा, ये अलगाव हो रहा है, यहाँ पे अलगाव का बोध हो रहा है, तो ये क्या है, एक कारण कारक है, ठीक है, करण कारक जिसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में अक्रमक क्रिया नहीं है? अक्रमक क्रिया नहीं है दोस्तों, युवक टहल रहा है में कोई भी अक्रमक क्रिया नहीं हो रही है। कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया हो रही है? आंसर, कमला ने शांति को पुस्तक दी में पूर्ण द्विक्मरक क्रिया हो रही है, क्योंकि इसके इसमें क्रिया देने के साथ साथ दो क्रम शांति और पुस्तक भी आए हैं, इसलिए ये द्विक्रम है ना, आंसर क्या कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, पूर्ण द्विक्रमक क्रिया हो रही है। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा क्रम सही नहीं है? 83 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, वह चालक निकला में सकर्मक क्रिया, ये मेल सही नहीं है, ठीक है, आंसर क्या करेंगे दोस्तों, वह चालक निकला में क्रिया जो है वो चालक के साथ कोई क्रम नहीं आया, इसलिए अतः यह अक्रमक क्रिया है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस क्रम में अ जो है उपसर्ग नहीं है, आंसर करिएगा दोस्तों अनन्य, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। अन उपसर्ग किसका घोतक है, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों अभाव और निषेध का, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस काम में भाववाचक संज्ञा तदति प्रत्यय है, तो आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल फिरौती इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किस क्रम में क्रिया बोधक कृत प्रत्यय है, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे चलता हुआ, ठीक है, शब्द जो है चलता हुआ, इसमें कृत प्रत्यय है, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है, आंसर कीजिए जल्दी फटाफट, बिल्कुल अनुदित अनुदित है ना, अनु प्लस दित अनुदित है ना, इसमें नहीं हुआ है, ठीक है, इसका सही संधि होगा विच्छेद अन, अन आधा रहेगा और उदित उदित, ये सही होता है इसका संधि विच्छेद। व्यंजन संधि का सही उदाहरण क्रम क्या है, बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स अ सम प्लस गठन संगठन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है, अयादि संधि का आंसर कर देंगे दोस्तों इट्स अ सी, दय प्लस इनी दयनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन द से द के पहले री जो स्वर है आए तो द किस में बदल जाता है, बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे द्व में, द और आधा व, ठीक है। अगला क्वेश्चन किस क्रम में संधि का गलत प्रयोग हुआ है, गलत प्रयोग हुआ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आश प्लस चर्य आश्चर्य कर दिया गया है, ठीक है, जबकि आ होगा आ है ना, ये प्लस चर्य तब बनेगा ये आश्चर्य। अगला क्वेश्चन डंका बजाना मुहावरे का सही प्रयोग किस क्रम में हुआ है, बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रतिष्ठित हो जाना, ठीक है, डंका बजाना यानी कि बहुत बड़ा काम कर देना, प्रतिष्ठित हो जाना। प्रभुता पाही काही मद नाही लोकोतित का सही अर्थ क्या है, प्रभुता पाही काही मद नाही, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि उच्च पद प्राप्त करके किसी को घमंड नहीं होता है, किसी घमंड नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा क्रम सही नहीं है यहाँ पे, तो होनहार बिरबान के हाट चिकने पात, मतलब कि ये मुहावरा है, होनहार बिरबान के हाट चिकने पात, ठीक है, ये एक मुहावरा है, ये बात सही कही गई है। यह कहना तब मैं आया में किस तरह की अशुद्धि है, चलिए 96 का आंसर करिएगा दोस्तों, कर्ता कारक संबंधी अशुद्धि पाई गई है इसमें, ठीक है। यह कहा तब मैं आया अशुद्ध है, इसमें कर्ता कारक संबंधी अशुद्धि है, वह कहा कि तब मैं आया, ठीक है, वह कहा तब मैं आया, ये एक सही होता वर्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस क्रम में अशुद्धि वाक्य है, फिर से अशुद्धि के क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे, आंसर कीजिएगा यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, ठीक है, इस कुएं का पानी कैसे सूख गया, ये यहाँ पे आंसर होता सही है ना। अगला क्वेश्चन कोष्टक में दिया गया कौन सा चिन्ह है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, ठीक है, स्माइली मत लिख दीजिएगा वहाँ पे, स्माइली जैसा दिख रहा है तो यहाँ पे, ठीक है, आंसर कीजिएगा विवरण चिन्ह है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आदर्श जो शब्द है इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, किसका पर्यायवाची नहीं है, तो यथार्थ का। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अधिनियमों और विधियों के पारित करने के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है, संविधान के किस अनुच्छेद में आर्टिकल में वर्णित किया गया है, तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है पर यहाँ हिंदी में बताया गया क्योंकि हिंदी से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 348 में इसे बताया गया है कि तब संसद विधि के द्वारा उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के समस्त कार्य जो है अंग्रेजी भाषा में होगी और उसके बाद न्यायालयों में जो परिवर्तन की अधिक तैयारी आवश्यकता होती है इसलिए इस समय तय करने का संसद पर काम छोड़ दिया गया है, ठीक है, 348 के तहत इसको रखा गया है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 100 क्वेश्चन हमने देखे हिंदी के, आपने कितने उत्तर सही किए होंगे ये खुद को जज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। सुबह का करेंट अफेयर और 10 बजे का जनरल साइंस का क्लास देखना ना भूलें आप लोग। चलिए ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।